students, in our previous lecture we have completed our exercise number 1.1. In today's lecture we will continue with exercise number 1.2. I hope that you have completed the questions that we have left in our previous class. Okay, now we will jump on our exercise number 1.2. For that we have to first learn some things, that how to represent rational numbers in a number line. Okay, let's take a rational number 1.3. Now, how we represent 1/3 in our number line? Let's draw a number line. This is our 0. Everything that comes on right is positive. Everything that comes on left is negative. 1/3 is positive. So it will come on this side. Okay. Now, what we do is 1/3. So when it will become 1? When it is 3/3. This means we have to divide this into 3 parts. And the third part will be our 3/3, which means it's 1. So then this will become 1/3, this will become 2/3. Yeah. This is humne fractions padhe the, usme kya tha ki divide kaise kiya jata hai. Waise ye ki agar 0 se 1 ke beech mein hum agar 3/3 kab aayega, 1 kab aayega jab wo 3/3 hoga, matlab humko jab hum 3 parts pe divide karenge usko, tab humko jo third 3/3 hoga wahan pe 1 milega. तो उसके बीच के जितने भी होंगे 3/3 के पहले क्या आएगा 2/3, उसके पहले क्या आएगा 1/3. तो 0 से 1 के बीच में आएगा 1/3 और 2/3. तो इस तरीके से हम 1/3 जो रैशनल नंबर है हमारा उसको नंबर लाइन में शो करेंगे. अगर ये -1/3 होता तो ये होता हमारा -1 और ये हो जाएगा हमारा -1/3 एंड -2/3. ठीक है, तो अगर हमको बोलता कि -1/3 को रिप्रेजेंट करना है, हमारा -1/3 यहाँ पे आता. ठीक है, बस अब इतना ही करना. अब हम क्या करें, हम करते हैं अपनी एक्सरसाइज नंबर 1.2. तो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज रिप्रेजेंट दीज नंबर्स ऑन द नंबर लाइन. हमको नंबर्स दिए हैं, उनको हमको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है. ठीक है, फर्स्ट नंबर हमारा 7/4. Okay. First of all, its numerator is greater than denominator. So, जब ये 4/4 होगा, तब इसका आंसर 1 आएगा. जब 8/4 होगा, तब इसका आंसर 2 आएगा. मतलब ये किस नंबर लाइन में किसके बीच में आएगा? ये है हमारा 0. ठीक है, पॉजिटिव है इसलिए हमारे राइट साइड पे आएगा. तो ये होगा हमारा 1 और ये है हमारा 2. तो ये जो नंबर होगा ये 1 और 2 के बीच में आएगा. तब हम इसको डिवाइड कर लेते हैं. ये है यहाँ पे क्या आना चाहिए हमारा 4/4, क्योंकि हमारा डिनोमिनेटर क्या है 4 है. तो जब ये 4/4 होगा तब उसका आंसर 1 होगा. तो 4/4, तो यहाँ पे हमारा 4 है. तो अब ये कितने पार्ट पे डिवाइड होगा, 3/4, 2/4 और 1/4. तो ये हो गया हमारा 1/4, ये हो गया हमारा 2/4, ये हो गया हमारा 3/4. अब 4/4 के बाद क्या आएगा यहाँ पे, 5/4, 6/4, 7/4 और ये लास्ट 2 हो गया हमारा क्या आएगा, 8/4. तो हमको क्या रिप्रेजेंट करना है, 7/4. तो हम इसको A से डिनोट कर देते हैं. हमारा 7/4 कैसे डिनोट होगा, S से. ठीक है, तो आपको क्वेश्चन में पूरी नंबर लाइन बना के देन यू हैव टू शो कि वो नंबर कहाँ पे आएगा. ठीक है, सेम क्वेश्चन दिया है -5/6. आप खुद ट्राई करेंगे, माइनस है तो लेफ्ट साइड पे आएगा, इस साइड आएगा. 6 है तो कब 1 आएगा, 6 जब वो -6/6 होगा तब उसका आंसर 1 आएगा. तो ये किसके बीच में आएगा, 0 और -1 के बीच में. ठीक है, तो ये आपको खुद सॉल्व करना है.
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेम क्वेश्चन है, तीन नंबर दिए हुए हैं हमको, रिप्रेजेंट -2/11, -5/11 एंड -9/11 ऑन द नंबर लाइन। तो अब इसको हमको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, ये तीनों नंबर हमको कैसे रिप्रेजेंट होंगे वो बताना है। ठीक है, एक नंबर लाइन बना लेते हैं हम। पहले देख ले कि ये किस किस के बीच में आएगा। 11 डिनोमिनेटर में क्या है, 11, तो जब ये 11/11 होगा माइनस में, तो -11/11, तब इसका आंसर क्या होगा, -1। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये हमारा जो तीनों नंबर है वो किसके बीच में आएंगे, -1 और 0 के बीच में आएंगे। ठीक है, तो क्योंकि जो न्यूमरेटर है वो क्या है, डिनोमिनेटर से छोटा है ना, तो हम एक नंबर लाइन बना लेते हैं। ये हमारा 0 नेगेटिव है, तो आएगा हमारे लेफ्ट साइड पे, किसके बीच में आएगा, -1 और 0 के बीच में आएगा, तो हमारा ये हो गया -1। अब क्या, अब हम इसको डिवाइड करना शुरू करते हैं। कितने हैं हमारे पास, यहाँ पे क्या आना चाहिए, 11/11, -11/11 आना चाहिए। ठीक है, अब हमारा मतलब हम एक यहाँ से देखें तो 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1, तो कितने पार्ट्स में डिवाइड हुआ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो इसके बीच में कितने आएंगे, -10/11 तक के सारे नंबर्स आएंगे। तो ये हो गया हमारा -1/11, -2/11, -3/11, -4/11, -5/11, -6/11, -7, -8, -9 और -10। अब हमको कौन कौन से नंबर शो करने बोला था, -2/11, -2/11 का हमारा ये रहा हमारा -2/11, अब इसको ए से डिनोट कर देते हैं। दूसरा हमारा बोला है -5/11, -5/11, ये हमारा इसको हम बी से डिनोट कर देते हैं। थर्ड हमारा -9/11, इसको हम सी से डिनोट कर देते। तो हमने क्या कर दिया, तीनों नंबर्स को नंबर लाइन पे शो कर दिया। ठीक है, आपको ऐसी क्लियर नंबर लाइन बनानी है और इस तरीके से उस पॉइंट्स दे देके कि जो भी आपको नंबर दिया हुआ है उसको ए बी सी जो भी आपको लेना है वो उसको वैसे आपको रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, अब करता हूँ हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ये एक ही क्वेश्चन था, आप इसको एक बार रिवाइज कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राइट 5 रैशनल नंबर्स व्हिच आर स्मॉलर देन 2। वी हैव टू फाइंड 5 रैशनल नंबर्स स्मॉलर देन 2। तो देयर आर टू मेनी रैशनल नंबर्स व्हिच आर स्मॉलर देन 2। ओके, सो यू कैन टेक एनी रैशनल नंबर दैट आर स्मॉल दैट इज स्मॉलर देन 2, द आंसर विल बी राइट। ओके, आई एम टेकिंग 1, 1/2, 0, -1/2 एंड -1, 1, 2, 3, 4, 5। These are the 5 rational numbers which are smaller than 2. आप लोग कोई भी नंबर ले सकते हो, यह जरूरी नहीं है कि यही पांचवा नंबर देना है, क्योंकि 2 से स्मॉल जितने भी रैशनल नंबर्स हैं उनमें से कोई भी पांच नंबर दे सकते हो, आंसर सही होगा। ठीक है,
ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन. नाउ वी विल डू अवर क्वेश्चन नंबर फोर. चलो देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर फोर. फाइंड 10 रैशनल नंबर बिटवीन -2/5 and 1/2. हमको पांच रैशनल नंबर निकाल रहे हैं -2/5 और 1/2 के बीच में. ठीक है, तो हमारे पास क्या दिए हुए हैं, -2/5 और 1/2. इन दोनों के बीच के हमको 10 रैशनल नंबर निकालने हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, दोनों के डिनोमिनेटर सेम कर देते हैं. तो सबसे पहले हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे. इसको कर दिए 2 से मल्टीप्लाई, इसको हमने कर दिए 5 से मल्टीप्लाई. 2 2 = 4 -4/10 और ये क्या हो गया 5/10. अब देख लेते हैं इसके बीच में हमारे 10 रैशनल नंबर आ रहे हैं. -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. हमारे आ रहे क्या रैशनल नंबर? नहीं आ रहे, सिर्फ 9 रैशनल नंबर आ रहे. तो हमको क्या करना पड़ेगा, अभी इसमें और नंबर मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे ताकि दोनों नंबर थोड़े बड़े हो जाए, उनके बीच में 10 रैशनल नंबर आ जाए. ठीक है, तो हम इसमें करते हैं, इसमें हम फिर से 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसमें भी 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं. ठीक है, 4 2 = 8, 8/20 एंड यहाँ पे हो गया हमारा 10/20. अब देख लेते हैं इसके बीच में आ रहे क्या 10 रैशनल नंबर. यहाँ से 0 के तक ही कितने हो गए, -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0. 8 ही होगा उसके आगे क्या 10 तक के हम जितने भी रैशनल नंबर, तो इसके बीच में आ रहे हैं हमारे 10 रैशनल नंबर, तो हम उन 10 रैशनल नंबर को यहाँ पे लिख देते हैं. तो कहाँ से लेके -7/20, -6/20, -5/20, -4/20 ऐसे से लेके डायरेक्ट कहाँ तक के लिख सकते हैं हम, जितने भी 10 रैशनल नंबर है थ्रू अप टू 9/20, यहाँ तक के हम सारे रैशनल नंबर, कोई भी 10 रैशनल नंबर इनके बीच में लिख सकते हैं. ठीक है, यू कैन टेक एनी अदर नंबर टू बैलेंस द डिनोमिनेटर, इट विल आल्सो बी द आंसर विल बी राइट. ओके, नेक्स्ट आवर क्वेश्चन इज सेम क्वेश्चन. वी हैव टू फाइंड रैशनल नंबर्स, 5 रैशनल नंबर्स. नाउ वी हैव टू फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन दीज नंबर्स. देयर आर 3 क्वेश्चंस, आई एम डूइंग क्वेश्चन नंबर 1, बाकी के 2 क्वेश्चन आप लोग खुद से सॉल्व कर लीजिएगा. ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. अब यहाँ पे हमको 10 रैशनल नंबर निकाला था, यहाँ पे हमको उसके बीच में 5 रैशनल नंबर निकालने. ठीक है, सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे हम. तो फर्स्ट क्वेश्चन है 2/3 and 4/5. 2/3 और 4/5 के बीच का रैशनल नंबर निकालना है. फर्स्ट है 2/3 and 4/5. सबसे पहले सेम चीज डिनोमिनेटर इक्वल कर लेते हैं, हम इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि अगर 2/3 into 5/5 ये हो जाएगा हमारा 4/5, 4/3 into 5 2 3. ठीक है, 5 2 = 10, 5 3 = 15, 4 3 = 12, 5 3 = 15. आ रहे हैं क्या सारे, अब इसके बीच में कितने रैशनल नंबर है, एक ही रैशनल नंबर है 11/15. ओके,
एक ही रैशनल नंबर मिल रहा हमको, अब हम क्या करते हैं ठीक है, इसको थोड़ा और बड़े नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 10/15 है हमारा, 12/15 है ठीक है, मैं डायरेक्ट चलो 4/4 से मल्टीप्लाई करते हैं। आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर जो अगर आपको 5 रैशनल नंबर मिल जा रहे हैं उसके बीच में, तो आंसर हमारा सही है। मैं यहाँ पे 4/4 ले रही हूँ ठीक है, तो दोनों साइड को हम 4/4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 15 4 16 12 4 48 15 4 60। अब आ रहे हैं क्या 5 रैशनल नंबर, तो हम आ रहे हैं 41 42 43 up to 47। तो हम इसके बीच के वो नंबर लिख देते हैं सारे, तो 41 42 43 to 47, इसके बीच के आप कोई भी 5 रैशनल नंबर लिख सकते हो, तो वो हो जाएगा हमारा आंसर। आपको जरूरी नहीं है कि 4/4 ही लेना, 5/5 6/6, जिससे भी आपको 5 रैशनल नंबर मिल जा रहे हैं आपको वो नंबर से मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर इक्वल करके 5 रैशनल नंबर लिख देने हैं सिर्फ ठीक है, तो आंसर जो भी आता है वो करेक्ट होगा। सेम दो और क्वेश्चन है इसमें, वो क्वेश्चन खुद से सॉल्व करने हैं आपको ठीक है, हम अभी करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 इज राइट 5 रैशनल नंबर्स ग्रेटर देन -2। सेम क्वेश्चन नंबर 3 जैसा क्वेश्चन है कि हमको -2 से ग्रेटर 5 रैशनल नंबर लिखने हैं ठीक है। -2 से ग्रेटर है मतलब ये हमारा 0 है, ये है हमारा माइनस, साइड में आएगा -2 के वो सारे नंबर्स -2 से बड़े होंगे, जो भी लेफ्ट साइड में आएंगे वो -2 से छोटे होंगे। हमको क्या लिखना है, व्हाट 5 रैशनल नंबर्स व्हिच आर ग्रेटर देन -2, तो वी विल टेक नंबर्स ऑन द राइट ऑफ आवर नंबर लाइन ठीक है। तो -2 के बाद आ जाएगा हमारा -1/2 -1 1 2 3 नंबर्स, और 4 हो गए, और एक और कोई भी नंबर ले लो 1/2 0। तो ऐसे जितने भी अब इस नंबर लाइन के राइट में जितने नंबर रैशनल नंबर्स होंगे आप उसमें से कोई भी 5 रैशनल नंबर ले सकते हो ठीक है, तो वो नंबर क्या होंगे -2 से बड़े होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 और लास्ट क्वेश्चन, फाइंड 10 rational numbers between 3/5 and 3/4। Same question है, 3/5 3/4 दिया हुआ है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, denominator same करेंगे, अगर number नहीं मिल रहा है और बड़े number से multiply करेंगे और उसके बीच के 10 rational number हमको निकालने हैं ठीक है। So we have completed our exercise number 1/2 and this chapter is completed. In our next lecture, we will start with our chapter number 2, linear equations in one variable. जितने भी question हमने छोड़े हैं पीछे, वो सारे question आपको घर पे बैठ के solve करने हैं, ठीक है? Okay. So that's all for today. Thank you.